साहित्य में हम पढ़ रहे थे रीति काल की रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कबीर घनानंद। कबीर घनानंद जिन्होंने अपनी शम की पीड़ा का वर्णन किया, सुजान नाम की वेश्या के विरह में उन्होंने किस तरह की अनुभूति की, उस अनुभूति को इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया, जिसे कुछ पद हम पढ़ चुके थे। 6 पदों पे हमारी चर्चा हो चुकी थी जिसमें कुछ कवित्व सवैया थे। उसके बाद अगला जो 7वां पद है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, तो देखिए वो है, प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान। घनानंद जी कह रहे हैं, उधर घनानंद का अलौकिक रूप में राधा है वो भगवान श्री कृष्ण को कह रही है, उधर लौकिक रूप में घनानंद जी वो सुजान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, उसके विरह में किस तरह की अनुभूति उनको हो रही है उसको व्यक्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, प्रीतम सुजान मेरे हित के निदान, कहो कैसे रहे प्राणो जो अनख अरसाइयो। देखिए सुजान का जो विरह था जिसमें उन्होंने जो वेफाई की, उस वेफाई के उस वियोग में घनानंद जी कह रहे हैं कि प्रीतम सुजान मेरे हित के निदान, कहो कैसे रहे प्राण जो अनख अरसाइयो। कविता है, तुम तो उदार दीन हीन आन पर द्वारो, सुनिए पुकारिया ही कोलो तरसाइयो। चातिक है रावरो अनोखो मोहे आवरो, सुजान रूप बावरो बदन दरसाइयो। बिरह नसाए दया ही में बसाए, आयो हायो कब आनंद को घन बरसाइयो। देखिए उलाहना भी है, उपालम भाव भी है, साथ में उलाहना दे रहे हैं। घनानंद जी उस सुजान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, उधर राधा है वो भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कह रही है, वो कह रही है प्रीतम सुजान मेरे हित के निदान, कि हे प्रियतम, हे सुजान, हे भगवान श्री कृष्ण, आप ही मेरे हित के निदान हो, आप ही मेरा हित चाहने वाले एक भंडार के रूप में हो। कहो कैसे रहे प्राणो जो अनख अरसाई हो। अब आप ही बताइए हमें कि कैसे रहे प्राण, कि आपके वियोग में हमारे प्राण वो कैसे जीवित रह सकते हैं, क्योंकि आप ही हमारे प्राणों के लिए भंडार हो, आप ही हमारे हित के निदान हो, आप ही हमारे प्राणों को जीवित बनाए रखने वाले भंडार के समान हो, फिर आपके वियोग में हमारे वो प्राण वो कैसे जीवित रह सकते हैं, इस बात को आप हमको बताओ। तो उस बात को बतलाते हुए कह रही है कि प्रीतम सुजान मेरे हित के निदान, कहो कैसे रहे प्राण जो अनख अरसाइयो, जो आप अनख अरसाइयो, अनख का मतलब है रूठ कर और हमसे इस तरह का आलस्य करोगे मिलन में, अर्थात रूठ कर आप इस तरह दूर चल जाओगे मिलने के लिए, अगर इस तरह का आप आलस्य करोगे, इतराते रहोगे मिलने में, इस तरह विघ्न पैदा करोगे, तो फिर हमारे प्राण वो आपके वियोग में किस तरह जीवित रह सकते हैं, इस बात को आप हमको बताओ। उधर घनानंद जी सुजान से कह रहे हैं और उधर राधा है वो भगवान श्री कृष्ण को कह रही है। आगे देखिए, फिर आगे क्या कह रहे हैं, तुम तो उदार दीन हीन आन पर द्वार। देखिए क्या कह रहे हैं, भक्ति में जो दैन भाव होता है वो दैन भाव को भी बतलाते हुए वो कह रहे हैं कि तुम तो उदार, कि तुम तो बहुत उदार हो, महान हो, तुम तो उदार दीन हीन और हम दीन हीन हैं, आन पर द्वार, अब हम आकर के आपके द्वार पर पड़ रहे हैं, अर्थात तुम तो बहुत उदार हो, भगवान को कह रहे हैं। उधर तो राधा कह रही है भगवान को, आप तो बहुत उदार हो, महान हो, दीनों पर कृपा करने वाले हो, दयालु हो। उधर घनानंद है वो राधा को, वो घनानंद है वो सुजान को संबोधित करता हुआ कह रहा है कि तुम तो उदार दीन हीन आन पर द्वार, और हम दीन हीन हैं, गरीब हैं, इसलिए हम आपके शरण में आकर के और आपके द्वार पर पड़े हुए हैं। दीन हीन आन पर द्वार, सुनिए पुकार या ही कोलो तरसाइयो। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, इसलिए आप हमारी पुकार सुन लीजिए। कौन सी पुकार, कि हमको दर्शन दे दीजिए, हमसे मिलन कीजिए। आगे सर, तो इसलिए आप इस तरह सुनिए पुकार या ही कोलो तरसाइयो। देखिए आगे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, इसलिए आप हमारी पुकार सुन लीजिए, हम दीन हीन होकर के आपके दरवाजे पर आ चुके हैं, आपके शरण पर रहे हैं, इसलिए आप हमारी पुकार सुन लीजिए और हमको दर्शन दे दीजिए। यही कोलो तरसाइयो, या फिर ये बता दीजिए, यही कोलो, आप इसी तरीके से हमको कोलो, यानी कब तक तरसाओगे, अर्थात या तो आप हमको हमारी पुकार सुन करके हमको दर्शन दीजिए, या फिर हमको ये बता दीजिए कि इसी प्रकार से आप हमको कब तक तरसाते रहोगे, वो बात हमको बता दीजिए। आगे देखिए उल्हाना है, फिर आगे फिर कह रही है,
उधर तो घनानंद कह रहा है सुजान को, राधा कह रही है, देखिए भगवान को क्या कह रही है, चातिक है रावरो अनोख मोह आवरो। देखिए क्या कहा है, एकनिष्ठ भक्ति है, भक्ति की एकनिष्ठता बतलाते हुए कह रहे हैं कि चातिक है रावरो, कि हमारा जो मन है वो तो हे घनानंद, वो हे भगवान श्री कृष्ण, हे सुजान, आपके रूप का ही चातिक बना हुआ है। चातिक है रावरो, चातिक बना चकोर पक्षी, जिस तरह चकोर पक्षी है वो एक टक लगाकर चंद्रमा को देखता रहता है, उसी तरह आपको उस चंद्रमा रूपी चेहरे के लिए हमारा जो मन रूपी पक्षी है, मन रूपी चकोर है, वो हमेशा आपके लिए चातिक बना हुआ है, आपके रूप के लिए चकोर बना हुआ है, हमेशा एक टक आपके सौंदर्य को देखना चाहता है। तो देखिए, चातिक है रावरो अनोखो मोहे वावरो, इस तरह आपका वो मोहे जिसने हमारे मन रूपी चकोर पक्षी को एक टक दृष्टि से आपके चेहरे से जोड़ रखा है, ऐसा आपका वो मोह है, वो इसको क्या कर रहा है, हमारे इस मन रूपी पक्षी को आवरो व्याकुल कर रहा है। अगर तो उस बात को होता रही है कि चातिक है रावरो अनोखो मोह वावरो, कि आपका जो मोह है, आपका जो प्रेम है, वो कुछ अलग ही तरह का है, अनोखा है, जो हमारे मन रूपी चकोर को हमेशा व्याकुल करता रहता है, हमेशा आपकी ओर एक टक दृष्टि से दिख, इस तरह एपलक दृष्टि से देखने के लिए व्याकुल करता रहता है। चातिक है रावरो अनोखो मोह वावरो, सुजान रूप वावरो बदन दर्शाइयो, सुजान रूप वावरो। आगे फिर वो अपने मन की बात बतलाते हुए कह रहे हैं कि इस तरह हमारा वो मन रूपी पक्षी, देखिए रूप कलंकार का प्रयोग भी है, तो कह रहे हैं सुजान रूप वावरो, कि हे सुजान, इस तरह हमारा वो मन रूपी चकोर पक्षी है, वो आपके रूप के लिए व्याकुल बना हुआ है, उसका आपके रूप के दर्शन करने के लिए वावरा बना हुआ है, पागल बना हुआ है आपके रूप के दर्शन के लिए। सुजान रूप वावरो बदन दर्शाइयो, इसलिए ऐसे उस आपके रूप के लिए पागल बने हुए ऐसे उस मन को आप रूप बदन दर्शाइयो, आप तुरंत प्रकट होकर के तुरंत आप अपने चेहरे को उसको दर्शन दीजिए, बदन ने दर्शाया उसको, अपने बदन अपने चेहरे को दिखाइए, अर्थात उसको दर्शन दीजिए जो आपके रूप के लिए बावरा बना हुआ है, ऐसे उस हमारे मन रूपी उस चकोर पक्षी को आप तुरंत प्रकट होकर के और उसको इस तरह दर्शन दीजिए, उसे मिलन कीजिए। आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं, बिरह न साए दया ही में बसाए। आगे फिर कह रहे हैं, उधर तो घनानंद कह रहे हैं सुजान को संबोधित करते, उधर राधा कह रही है, क्या कह रही है, बिरह न साए दया ही में बसाए, इसलिए आप हमारे अंदर जो बिरह की भावना है, ऐसे उस बिरह की भावना को नशा यानी नष्ट करके दया ही में बसाए, और हमारे प्रति दया भाव रख करके अपने हृदय में हमारे प्रति दया भाव पैदा करके, और आए हाय आ करके, हाय बड़े दुख के सहाय कब आनंद को घन बरसाइयो, आप कब आकर के आनंद रूपी बादल को वर्षाओगे, अर्थात कब आकर के हमको दर्शन दोगे, कब आकर के हमको हरा भरा प्रसन्न करोगे दर्शन दे करके। तो इस तरह की वो अवधि पूछ रहे हैं, उपालम भाव है, उलाहना है, और वो भगवान श्री कृष्ण को उधर सुजान नाम की जो वेश्या है उसको घनानंद जी है वो उनसे मिलने की वो अवधि पूछ रहे हैं कि कब आकर के आप हमको दर्शन दोगे, कब आकर के मिलन करोगे, कब आकर के हमारे ऊपर आनंद रूपी घन की वर्षा करोगे। आनंद रूपी घन की वर्षा करने का मतलब है कब आकर के हमको हरा भरा प्रसन्न करोगे, कब आकर के हमको इस तरह उमंग से उमंगित करोगे, उत्साह में उमंगित करोगे। तो देखिए यहाँ उपालम भाव भी है और साथ में कवि छंद है, घनानंद है, वो तो सुजान नाम की जो वेश्य है उनकी जो प्रेमी प्रेतमा है उसको उलाहना दे रहे हैं, उधर राधा है लघुक रूप में, राधा है वो भगवान श्री कृष्ण को उलाहना दे रही है और उनसे पूछ रही है, हाँ साथ में प्रेम की एक निष्ठा भी है। उन्होंने कहा ना चातिक है रावरो अनोख मोहे वावरो, कि चकोर पक्षी जैसे एक दृष्टि से चंद्रमा को देखता रहता है, उसी तरह आपके उस चंद्रमा रूपी चेहरे के लिए, आपके उन दर्शनों के लिए हमारा जो मन रूपी चकोर है वो हमेशा आपकी तरफ देखता रहता है, अर्थात आपके प्रेम, यहाँ प्रेम का एक निष्ठता है, एक निष्ठ प्रेम है। आगे देखिए अगला जो पद है घनानंद जी का वो सवैया छंद से है, और देखिए क्या कह रहे हैं घनानंद जी, उधर राधा है वो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, उधर घनानंद जी सुजान को कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, तब तो छवि पीवत जीवत है अब सोचन लोचन जाते जरे, हित पोष के तोस सुप्राण पले बिललात महादुख दोष भरे, घन आनंद मीत सुजान बिना सब ही सुख साज समाज टरे, तब हार पहार से लागत है अब आन के बीच पहार पड़े। देखिए यहाँ यमक अलंकार का भी प्रयोग है और साथ में देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ संयोग और वियोग
दोनों की दशाओं का वर्णन करते हुए कह रहे हैं गणानंद जी कि संयोग में तो किस तरह का महसूस होता था और अब आपके वियोग में किस तरह का महसूस हो रहा है। तो यहाँ संयोग अवस्था के उन क्षणों का स्मरण करते हुए वर्तमान की जो वियोग दशा है उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं गणानंद जी, कह रहे हैं उधर यहाँ राधा है वो भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कह रही है। देखिए क्या कह रहे हैं, तब तो छवि पीवत जीवत है, अर्थात जिस समय आप हमारे पास थी संयोग था उस समय तो छवि पीवत जीवत है, आपके उस सौंदर्य को देख देख करके आपके उस सौंदर्य का पान करते हुए हम जीवित बने रहते थे। अर्थात जिस समय संयोग था उस समय तो आपके उस सुंदर स्वरूप को देख देख करके और सौंदर्य का पान करते हुए हम जीवित बने रहते थे। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचने लोचन जाते जरे और अब आपके वियोग में सोच में चिंता में हमारे नेत्र हैं वो जल रहे हैं, विरह की आग में जल रहे हैं, हमारे आंसू आ रहे हैं। अर्थात जिस समय आप हमारे पास थे उस समय तो आपके उस सुंदर स्वरूप का पान करते हुए हम जीवित बनी रहती थी, लेकिन अब आपके वियोग में आपकी जो वियोग की जो चिंता है ऐसे उस वियोग की चिंता में हमारे नेत्र हैं वो जल रहे हैं। देखिए एक तरफ संयोग की अवस्था है, संयोग की अवस्था के समय तो हमारे नेत्र हैं वो आपके सौंदर्य का पान करके जीवित बने रहते थे, और अब एक तरफ वियोग में आपकी वियोग की जो चिंता है वैसी उस वियोग की चिंता में हमारे नेत्र हैं वो हमेशा जलते रहते हैं, हमेशा आपका इंतजार करते रहते हैं, आपकी छवि का या आपके इंतजार में जो मार्ग है उसको निहारते रहते हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, हित पोष के तोष से प्राण पले बिललात महादुख दोष भरे। आगे फिर वही संयोग वियोग की अवस्था बतलाते हुए कह रहे हैं कि जिस समय तुम हमारे पास थे उस समय तो हित पोष के आपके जो भी हित, हित का मतलब सुख, आपका जो भी प्रेम था उस प्रेम के उस पोषण से दोष संतुष्ट होकर के हमारे प्राण पलते रहते थे। अर्थात जिस समय आप हमारे पास थे उस समय तो आपके उस प्रेम का पोषण कर करके और उस पोषण से संतुष्ट होकर के हित पोष के तोष, ऐसा पोष का मतलब है पोषण से, तोष का मतलब है संतुष्ट होकर के, ऐसा अर्थात आपके उस प्रेम के पोषण से संतुष्ट होकर के हमारे प्राण पलते रहते थे, आपके प्रेम में लिप्त रहते थे। बिललात महादुख दोष भरे, और अब आपके वियोग में वही प्राण जिस समय आपके प्रेम के पोषण से संतुष्ट होते रहते थे ऐसे वो प्राणी अब आपके वियोग में क्या हो रहे हैं, बिललात महादुख दोष भरे, अब चिल्ला रहे हैं आपके दुख आपके वियोग में वो चिल्ला रहे हैं, बिललात चिल्ला रहे हैं महादुख दोष भरे, और महान वियोग के उस दुख में विभिन्न प्रकार के दोष आपको दे रहे हैं। अर्थात अब तो वो आपके वियोग में वो महान दुख में वियोग रूपी उस वियोग के उस दुख में लिप्त होकर के और चिल्ला रहे हैं और आपको दोष दे रहे हैं, दोष भरे विभिन्न प्रकार के दोष भर रहे हैं। आगे देखिए और क्या हो रहा है, घन आनंद मीत सुजान बिना सब ही सुख साज समाज तरे। आगे फिर बता रहे हैं वो अपनी दशा को बतला रहे हैं कि ऐसी है घनानंद, हे घनानंद, घनानंद कह रहे हैं घन आनंद मीत सुजान बिना, घनानंद जी कह रहे हैं और उधर राधा कह रही है कि हे मित्र सुजान, हे मित्र भगवान श्री कृष्ण, राधा तो श्री कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं, घनानंद सुजान को संबोधित कर रहे हैं कि ऐसे हे मित्र सुजान तुम्हारे बिना सब ही सुख साज समाज टरे, हमारे जितने भी सुख के जितने भी साधन हैं अगर वो सब टल गए अर्थात दूर हट गए। अर्थात जिस समय आप थे उस समय तो जितने भी सुख के साधन हैं वो भी सुख प्रदान करते रहते थे, लेकिन आज आपके वियोग में जितने भी सुख के साधन हैं वैसा वो भी मानो पीड़ित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन सुख के साधनों से आपकी स्मृति होती है और आपकी स्मृति होती है तो वियोग की पीड़ा है वो पीड़ित करती है। तो देखिए तो वो कह रहे हैं कि घन आनंद मीत सुजान बिना, कि घनानंद कह रहे हैं कि हे मित्र सुजान आपके बिना सभी सुख साज समाज टरे, हमारे जितने भी सुख के साधन हैं जितने भी सुख के समाज हैं वो सब टल चुके हैं, दूर हट गए हैं, छोड़ चुके हैं। आगे देखिए, तब हार पहार से लागत है अब आन के बीच पहार परे। देखें लास्ट की जो पंक्ति उसमें यमक अलंकार का प्रयोग करते हुए फिर कह रहे हैं घनानंद जी, क्या कह रहे हैं, तब हार पहार से लागत है, अर्थात जिस समय संयोग का क्षण था जिस समय आप हमारे पास थे उस समय तो आपके गले का जो हार है वो भी पहार के समान लगता था। अर्थात क्यों? क्योंकि अभिसार के समय में या रति क्रीड़ा के समय नायिका का जो हार था, सुजान का जो हार था, वो भी घनानंद जी कह रहे हैं वो भी रति कीड़ा में विघ्न पैदा करता रहता था। तो तब हार पहार से लागत है, पार से लगने का मतलब है वो
विघ्न पैदा करता रहता था, कठिनाई पैदा करता था। अगर तब हार पहाड़ से लागत है, अब आन के बीच पहाड़ परे। और अब ऐसा लग रहा है जैसे मानो सचमुच के ही पहाड़ हमारे बीच में आकर के पड़ गए हो। अब ऐसा अर्थात उस समय तो नायिका के जो श्रृंगार का जो साधन था हार आभूषण, वो आभूषण भी मानो रति कीड़ा में विघ्न पैदा करता रहता था, इसलिए वो भी मानो पहाड़ जैसा लगता था। लेकिन अब वास्तव में हम दोनों के बीच में पहाड़ ही आकर के खड़े हो गए। वियोग की पीड़ा है वो पहाड़ के रूप में इस तरह उपस्थित हो गई। देखिए, एक तरफ घनानंद जी ने यहाँ संयोग के क्षणों का स्मरण किया है, तो दूसरी तरफ उन्होंने यहाँ वियोग की बात बतलाई है कि अब कैसा हो रहा है। अगर तो यहाँ सवैया छंद है और ब्रजभाषा का प्रयोग किया है घनानंद जी ने। इसके बाद देखिए अगला जो पद है, अगला पद है घनानंद जी का, उस पर हम चर्चा आपसे अगले वीडियो में करेंगे। आज हम इतना ही पढ़ाएंगे। धन्यवाद।